ਪੜਣਾ ਤਾਂ ਸੋ ਗਰੀਬੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈ ਕੀ ਕਰ ਲੈ ਗਰੀਬੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾਵਾ ਜਾ ਉਧਰ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦੱਸੋ ਚਾਹੀਦਾ ਨਸਾਫੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬੇ ਵਾਸਤੇ ਨਸਾਫੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 6000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰੀਬੇ ਕੀ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਿੱਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਿੱਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਿੱਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮਾਰ ਮੀਟਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤਾਂ ਸਮਾਰ ਮੀਟਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮਾਰ ਮੀਟਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦਿਲ ਕਰੋ ਜੇ ਬਿੱਲ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਯਾਰ ਪਿੰਛੇ ਦੇਣਾ ਮੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ पहले जो मीटर लगे थे 1.5 साल पहले 2-2 मीटर लोगों के घर में लगे थे, लोगों ने उसको स्वीकार किया, केबल तार पड़ी, लोगों की कुंडियां कंगियां खत्म, लोग बिल देना शुरू हो गए थे। उसके बाद स्मार्ट मीटर लगा, आज 3 महीने से लगातार लोग सड़कों पर हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कोई सुन नहीं रहा है। पहले जो बिल आते थे लोगों को 500, 800, 2000 जितना भी आता था, लेकिन आजकल 10-10 हज़ार रुपया, 5-5 हज़ार रुपया, जिसकी पे जो सुबह से लेकर शाम तक जाता है, जो महीने का 15 हज़ार रुपया महीना कमाता है वो अपने बच्चों को खिलाएगा या 9 हज़ार रुपये बिल देगा। हम एलजी सरकार से प्रार्थना करते हैं, हम जम्मू कश्मीर सरकार से और बिजली डिपार्टमेंट के जो एमडी हैं जो आरसपुरा में आए थे उनसे प्रार्थना करते हैं ये जल्द से जल्द इस बिल को माफ़ किया जाए। ये बिल हमें माफ़ चाहिए, आने वाला टाइम में ये तो बहुत सरकार को नुकसान होगा। आने वाला टाइम में हम ये वादा करते हैं कि ये जो बिल है अगर माफ ना किए गए तो ये लोग जो है क्या करेंगे, आपको पत्थर नहीं मारेंगे, कानून को हाथ भी नहीं लेंगे। ये हिंदुस्तानी लोग हैं, पाकिस्तानी लोग नहीं है, ये आपके लोग हैं, लेकिन इनके पास एक बहुत बड़ी तोहफा है, वो वोट बैंक है। वोट घर घर से वोट निकलता है तो सरकारें बनती हैं, घर घर से वोट निकलता है तो कुछ बनता है। हम सरकार के साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिल पहले माफ हो, समान मीटरों को उतारा जाए, ना तो इसकी रीडिंग चेक होती है, ना बिजली वाला जहां पर आके चेक करता है, सीधा बिल आते जाते हैं, मोबाइल पे बिल आ रहे हैं 10-10 हज़ार, 20 हज़ार। ये मेरी माता बहने करो, यही मेरी माता बहन, इनको देखो, ये देखो भी ऊपर करो भी, ये बिल देखो, ये मेरी माता है। ਆਪਾਂ ਪਿੰਛੇ ਦੇਣਾ ਮੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।